तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईटीआई पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो लोग आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं उनको अब हमारे इस चैनल पे प्रतिदिन 6 बजे से आपको क्लासेस मिलेगी शाम में। तो आप सभी लोग आईटीआई का क्लास करना ना भूलें, और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। यह ऐसी कौन सी जगह है जो होली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कोसी, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, ऑप्शन नंबर सी है बरसाना, ऑप्शन नंबर डी है हिसार। तो यदि आंसर पता रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का कम से कम तो 15 सेकेंड दिया जाता है। तो चलो, तो आंसर मिलाना यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर देखिए, होली जो है, होली जो प्रसिद्ध है वो है बरसाना का, ठीक है। बरसाना आखिरकार है कहाँ? तो मथुरा को आप सब लोग जानते होंगे, मथुरा के नंदगांव या कहो उसको कोसी कला, ठीक है, कोसी कला, एक नंदगांव या कोसी कला का छोटा गांव है जहाँ पे बरसाना है। और यहाँ पे जो होली होती है ना, उस होली का नाम है लठमार होली के जैसा यहाँ पे मनाया जाता है। इसी कारण से यह प्रसिद्ध है बाबू, ध्यान रखना, ठीक है। किस कारण? तो लठमार होली के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे, लाइफ इज़ गुड किसकी टैगलाइन है? लाइफ इज़ गुड किसकी टैगलाइन है? ऑप्शन नंबर है मैकडोनाल्ड की, ऑप्शन नंबर बी है एलजी की, ऑप्शन नंबर सी है जेट एयरवेज की, ऑप्शन नंबर डी है नाइक की। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। लाइफ इज़ गुड यानी कि एल से लाइफ हो जाएगा, जी से गुड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि एलजी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, और इसका पहले बहुत ही चर्चा था, लेकिन अब तो इसका बहुत ही कम है। इसका केवल आपको बता दें तो इसका यूज अब तो बहुत ही कम जगह होता है, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, इस समय तो अब बहुत कम हो गया। अब तो वायर पोल, क्या है, वायर पोल करके ऐसे करके कंपनी निकले जिसमें फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे, कूलर हो गया, सारा चीज़, ये बेस्ट अब माना जाता है, ठीक है, एलजी से भी। अब तो मोबाइल आ गया रेडमी का, ठीक है, नहीं तो पहले एलजी का ही मोबाइल सबसे महंगा होता था। रेडमी हो गया, एप्पल हो गया, वन प्लस हो गया, रियलमी हो गया, ठीक है। तो ये सभी मोबाइलें आ करके यहाँ पर क्या कर दिया, इसका जो ग्राहक है उसको ख़त्म कर दिया, और ये बहुत ही महंगा भी था, ठीक है, और उतना ही लेकिन टिकाऊ भी था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आईना ए अकबरी किसने लिखी? आईना ए अकबरी जो लिखी गई है अकबर पे, वो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल, ऑप्शन नंबर बी है टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी मानसी, ऑप्शन नंबर डी है बीरबल। आप सभी को बता दें ये अकबरी जो है, इसमें अकबर के बारे में, और अकबर को मैं बता दूँ अकबर के बारे में थोड़ा सा, कि अकबर जो था वो अनपढ़ था, वो लिख नहीं पाता था, ठीक है, वो शासन कर लेगा मगर वह लिख नहीं पाएगा, वह अनपढ़ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्बुल फजल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्बुल फजल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद करना नहीं भूलिएगा। आपको हो सके तो अगला साल ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कहने का मतलब 2021 में, ठीक है, 2021 में आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कहता है, अंग्रेजी शासनकाल में मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? अंग्रेजी जो शासनकाल था उस समय मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके जीके के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बिहार के, ठीक है। बिहार पहले क्या था? बिहार और झारखंड, ठीक है, बिहार और झारखंड क्या था पहले अंग्रेजी शासनकाल में? उस समय साथ में था, ये तो 2002 के समय क्या हुआ था, ये अलग हुआ था, ठीक है। और हमारे आज़ादी के पहले की बात हो, यानी कि 1947 का, ये कब हुआ? 2002 में अलग हुआ था, तो पहले तो वो बिहार ही था। और ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो किस एरिया से हुआ था? तो बिहार के झारखंड, ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग किसका नाम से जानते हैं? तो झारखंड के छोटा सा एक गाँव है जिसका नाम है छोटा नागपुर। क्या नाम है? छोटा नागपुर। तो वहीं पे ये मुंडा विद्रोह हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो कौन थे जी, बताइएगा आप सभी लोग आंसर।
तो कौन थे? तो वो थे बिरसा मुंडा, जो कि ये जो मुंडा विद्रोह आपको दिख रहा है दोस्तों, ये मुंडा विद्रोह ये क्या है, जनजातीय विद्रोह में एक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जनजातीय विद्रोह भी कहते हैं, तो याद रखिएगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन थी प्रथम महिला में, ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी राधाबाई, ऑप्शन नंबर डी अमृत कौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर भी मिला लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फातिमा बीवी, ठीक है। ये क्या है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम है फातिमा बीवी, ठीक है। नाम भी गजब है, तो इसको भी याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ? आप सब लोग जानते हैं ना स्पीड पोस्ट एक होता है डाक विभाग में, ठीक है। तो उसका आरंभ कब हुआ था हमारे भारत में? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1986 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1995 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2003 में, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1972 में। तो आप सभी को बता दूं, जो भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था, तो वो होता है 1986 में, ठीक है। कब हुआ था 1986 में? तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका राइट है जी, तो ध्यान रखिएगा आपसे कब से हुआ था, तो 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कैमरा का आविष्कार किसने किया? आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कैमरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, DSLR का तो नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि DSLR से पिक खिंचाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो लेकिन इस DSLR का निर्माण किसने किया, ये पता है आपको? ऑप्शन नंबर ए है ब्रूस्टर, ऑप्शन नंबर बी होबे, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी निप से। कौन है कैमरा का आविष्कारक, DSLR का आविष्कारक? तो चलिए बाबू यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो जाएगा निप से, ठीक है। निप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि कैमरा के आविष्कारक थे, तो याद रखिएगा आपसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना, यानी कि सबसे कम एज में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए आप सभी लोग क्या होगा आंसर जी। तो चलो मिला लो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना, तो वो थे राजीव गांधी। तो याद रखना आपसे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी जो बताएंगे राजीव गांधी उनका याद है, ठीक है, ठीक है, सही है, और उनको याद भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ गया, कहता है आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल के ग्रहों में है, आकार के अनुसार पृथ्वी जो है सौर मंडल के कितने नंबर पे ग्रहों में है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी तीसरा नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी है पांचवा नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी है सातवां नंबर पे है। तो जल्दी से बताइए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको बता दूं जीके का जियोग्राफी भाग का ये क्वेश्चन है ना, जियोग्राफी का ही तो लग रहा है। तो चले यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा नंबर पे, ठीक है। पहले हमारा क्या है सूर्य है, सूर्य के बाद क्या है बुध है, बुध के बाद हमारा क्या है वो क्या है शुक्र है, ठीक है। शुक्र के बाद हमारा क्या है पृथ्वी है, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे कितना नंबर पे आ गया, पहला नंबर पे बुध, दूसरा नंबर पे शुक्र, और तीसरा नंबर पे ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे बंगाल यहाँ पे राइट है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ये बहुत ही बड़ा है, और जो कि कहाँ है कोलकाता में, कोलकाता के कहाँ पे बंगाल में यहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो आपसे याद रखना है, कोलकाता रहेगा तो कोलकाता भी मारना है, या बंगाल रहे तो बंगाल भी मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोलकाता की राजधानी ही पश्चिम बंगाल की राजधानी ही कोलकाता है, ठीक है। तो राजधानी भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट MCQ के साथ। तो जय हिंद जय भारत।